जी नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ साद रसूल साहब मौजूद थे, बहुत अहम उन्होंने पॉइंट रेस किया है और टेन्योर की बात की है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के। उनका ये कहना है कि 2023 तक जब ये टेन्योर पूरा हो जाएगा तो पीटीआई की हुकूमत ही होगी और हो सकता है कि वो दोबारा अपने ही सदर को मुंतखब करें और ये टेन्योर आगे भी जा सकता है। तो इसको अभी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो 5 साल के लिए सदर मुंतखब हुए हैं, क्योंकि वो बड़े टेक्निकल बात कह के गए हैं। अच्छा, अब दोबारा से हम जो गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज है, हम महेंद्र पाल सिंह साहब से शुरू करते हैं। महेंद्र पाल सिंह साहब, जो मैंने प्रोग्राम के सबसे आगाज में अकलियतों के हवाले से बात की थी, क्योंकि आप पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए हैं, जब पहले भी मेरी आपके साथ मुलाकात हुई तो आप एक अकलियतों के कोटे के हवाले से बात कर रहे थे, जो आपका जाती एक्सपीरियंस था किसी एडमिशन के सिलसिले में, तो वो आपको इंस्पायर किया, उसने आपको इंस्पायर किया कि आप सियासत में आए और फिर दूसरों के लिए राह जो है वो हम बात करें। जी बिल्कुल, मैं मुझे जब एडमिशन लेना था तो क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो उस वक्त पढ़ाई का हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। तो 2008 में जब मैं यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने गया तो मैंने पूछा कि जी हमारी 2008 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में उनकी हुकूमत, बिल्कुल बदकिस्मती से उन्हीं की हुकूमत थी। तो उस वक्त जब मैं एडमिशन लेने गया तो मैंने पूछा, तो उनका कोई कोटा नहीं था उस वक्त। हम जो हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर थे, मैं उनके पास गया कि आप उस कोटे को बहाल करवाएं। उन्होंने एक चिट लेके मुझे जो है वो बस मुझे मामले को इधर उधर कर दिया। तो मैं ना होने की बड़े बहुत, हाँ वो देखें, अच्छा। वो चीज़ें आप सब जानती हैं। तो उस तरह के जब उस वक्त हालात हुए, फिर मैंने स्पोर्ट्स बेस पे अप्लाई किया क्योंकि मैं क्रिकेटर था, मैंने अच्छे परफॉर्म किया और मैं जो है पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम में भी सिलेक्ट हुआ और मुझे एडमिशन भी मिल गया। अब सारी दुनिया के पास दो दो ऑप्शंस नहीं होते, तो इसी वजह से उस वक्त मैंने फिर ये तहैया किया कि मुझे अपनी कौम के लिए, अपनी माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ करना है। जब तक इनको एडमिशन नहीं मिलेंगे, जब तक ये पढ़ेंगे नहीं, ये कैसे पाकिस्तान के लिए बेहतरीन रोल अदा कर सकते हैं कि वो जो आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, क्योंकि अल्लाह ने आपको जो वो ओहदा दिया है। आखिरी सवाल दोनों मेहमानों से पूछूंगी, जो सदारत का ओहदा है वो कितना मौसर साबित होगा पाकिस्तानियों के लिए? देखिए, सदारती ओहदा वैसे तो वफाकी अलामत, और कानून साजी के लिए कितना मौसर साबित होगा? बात यह है कि प्रेसिडेंट के अख्तियार जो है ना, जरदारी साहब के दौर में खत्म कर दिए गए थे ऑलमोस्ट, तकरीबन सारे अख्तियार उन्होंने बिल्कुल एक गैर फाल प्रेसिडेंट की हैसियत से सारा टाइम गुजारा था। मैं समझती हूँ कि प्रेसिडेंट के पास मौजूदा असेंबलियों में इतनी है गुंजाइश कि वो इस तरह के हालात पैदा कर सकते हैं कि कवानीन के अंदर या इख्तियारात के अंदर रद्दोबदल हो सकता है, कि प्रेसिडेंट जो है उसके पास इतने इख्तियारात होने चाहिए कि उसका एक किरदार जो है वो फाल नजर आए, वो नजर आए कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए। ठीक है महेंद्र साहब, ये जो ओहदा है वो कानून साजी के लिए कितना मौसर साबित हो सकता है? इंशाल्लाह ये ओहदा जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब उस पर बैठे हैं, ये उनका, उन्होंने पहले बता चुके हैं कि मैं पूरे कौम का सदर हूँ और वो इस तरह से परफॉर्म करेंगे जैसे लग रहा है कि हर इंसान उस ओहदे पर बैठा है और वो परफॉर्म कर रहा है, हर पाकिस्तानी उस ओहदे पे बैठ के परफॉर्म कर रहा है। इंशाल्लाह वो बहुत फ्रेंडली सदर साबित होंगे अवाम के साथ, पार्लियामेंटेरियंस के साथ और पाकिस्तान के साथ। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का और पूरे पाकिस्तानियों को, अपना 13वां जो सदर है वो मुबारक हो। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम से इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान फाइंड आउट।